आजकल जो है बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है, बच्चों में भी देखने में आता है, ऐसे हम लोग जो है ना न्यूज में भी सुनते हैं, अखबार में भी आता है, सड़क दुर्घटना बहुत ज्यादा हमारे देश में होता है। और ये होता है मतलब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इसके पीछे शायद के कुछ कारण है, उनमें से कुछ कारण को हम लोग जानेंगे। और सड़क सुरक्षा से रिलेटेड आप लोग शपथ भी लेते लिए थे कि नहीं? यस सर। सभी लिए थे आप लोग? यस सर। इसमें क्या बताया जाता है कि हेलमेट पहनना है, नियम का पालन करना है, ओवरलोड नहीं लेना है ना? और जो रेड लाइट है, येलो है, ये सड़क के मतलब बाएं तरफ से चलना है आपको, ये सारे नियम का पालन करना है। लेकिन उनके साथ साथ और बहुत सारी चीज है, क्या करते हैं हम लोग जो है इम्पेशेंट हो जाते हैं। इम्पेशेंट मतलब बेसब्रा हो जाते हैं, मतलब सबर नहीं करते हम लोग। गाड़ी अगर ओवरटेक कर लेते हैं और वो नियम के विरुद्ध करते हैं, जैसे हमारे मेरे स्कूल का एक स्टूडेंट अफजुद्दीन नाम था, बहुत ही अच्छा लड़का, अरे आपके बिशनपुर का था, वो लड़का जो है एक मिस्टेक की वजह से उसी से पहले दिन यहाँ से पढ़ कर गया, और दूसरे दिन जो है सुनने में आ रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं है। कारण क्या था? गलत जो है डायरेक्शन से ओवरटेक करने का, एक गलती की वजह से एक जिंदगी खत्म हो जाती है, और उसके घर में कितनी सारी जो है मुसीबत आ खड़ी होती है, और कितना ज्यादा सपना टूट जाता है, दिल टूट जाता है, घर में जो है मातम छा जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक तो नियम के विरुद्ध नहीं जाना है, नियम के विरुद्ध नहीं जाना है, और दूसरी बात सब्र करना है। क्या करना है? अगर भीड़ है, अगर देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां हैं, या आपको जो है लग रहा है, और उसकी वजह से अगर सब्र नहीं करते हैं तो दूसरी क्या खराबी आती है, आप देखते होंगे कि जाम लग जाता है। क्या लगता है? जाम। उसके पीछे भी यही कारण होता है कि कोई बाइक जो है जहां पर जाना नहीं चाहिए वहां पर जाके खड़ा कर दिया, या कोई जो है टेम्पू वाला है उसको जानकारी क्या वहां है, और उसने क्या जो है जबरदस्ती आगे बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पूरा जाम लग जाता है, आधा घंटे एक घंटे तक। उससे हो सकता है एम्बुलेंस अगर वहां से गुजरना हो तो किसी की जिंदगी उसकी वजह से भी खराब हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? हम लोग को क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और जो हमको समझ में आता है, एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चों में आमतौर से स्टूडेंट्स में पाया जाता है, वो है झूठ। क्या है? झूठ। क्या बोलते हैं कि मिसाल के तौर पर वो तिम पहाड़ गया हुआ है, उसके अपू ने बोला है कि बेटा तिम पहाड़ से कुछ लाओ, है ना, वहां जाके अपने दोस्त बंधु के साथ मिल करके इधर उधर घूम रहा है, टाइम खराब कर दिया, और उसके बाद जब फोन आया घर से कि कहाँ हो, तो क्या बोलता है, वो है तिम पहाड़ में, लेकिन क्या बोलता है, मैं तो बस कल्याण चित में हूँ, बस आ गया 10 मिनट में। अब इस झूठ को, इस झूठ से बचने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए क्या करता है, गाड़ी को बहुत स्पीड चलाता है ताकि घर में पता ना चले, और उसकी वजह से जो है हड़बड़ी में बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, और हो भी जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर जो है किसी कार से टकरा जाए, किसी गाड़ी से टकरा जाए, किसी इंसान से टकरा जाए, किसी जानवर से टकरा जाए, और उसके नतीजे में क्या हो जाता है, या तो खुद का नुकसान होता है या किसी की जान को खतरे में डाल। तो हमें इन सारी बातों का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। और जब तक आप नियम नहीं मानेंगे, देखिए मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आपको, नियम ही सब कुछ है, अगर आप नियम नहीं मानते हैं तो पढ़ाई का कोई मतलब होगा? आप जो है टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर नियम है कि नहीं है? आप जो है गणित करते हैं तो उसके अंदर नियम है कि नहीं है? आप जो है प्रैक्टिकल करते हैं प्रयोगशाला में तो उसके अंदर नियम है कि नहीं है? अगर इस नियम को बलाए दांत रख देंगे, मतलब उसको नहीं मानेंगे, तो उसका कुछ फायदा होगा? आप जो बताना चाहते हैं टेस्ट में वो बनेगा, उल्टा उसका प्रभाव पड़ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक शब्द के पीछे भी क्या है, एक एक नियम छुपा हुआ है। जैसे आपको बताना है हिमालय, सही तरीके से बोलेंगे वो सहारा होता है, बहुत बड़ा पर्वत हमारे देश में है, लेकिन इसी को अगर उलट दिया आपने तो उसका कुछ अर्थ निकलेगा? तो बगैर नियम के आपकी जिंदगी में कोई भी मतलब नहीं निकलेगा मेरे प्यारे नन्हे बच्चों और मेरे प्यारे बच्चियों, ठीक है? आप अगर कुछ जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। आप बताइए आपके घर में एक कप चाय बगैर नियम के बन सकता है? तब नहीं बन सकता, उल्टा जो है न स्वाद रहेगा उसमें और ना आपको अच्छा लगेगा, बहुत बेकार सा लगेगा आपको, है कि नहीं? इसीलिए हमको क्या करना है, नियम के अनुसार चलना है। जैसा आप बोलते हैं कि कौन होता है, नियम है,
जैसे उसी को हम जो है एक सेंटेंस है लेकिन उसको सिर्फ बोलने के हिसाब से कॉमा के हिसाब से सीएम की वजह से उसका अर्थ भी बदल सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम बोलेंगे उठो मत बैठो, उठो कॉमा मत बैठो, लेकिन अगर मत के बाद अगर कॉमा लगाएंगे उठो मत, ठीक है, तो उसका अर्थ जो है पूरा बदल जाएगा नहीं बदलेगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए, चलते हुए भी, सड़क में भी, अपने जीवन में भी, और अपने जो हमारे जो पुस्तक है, हमारे जो इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, ये सारे चीज में जो सारे नियम है, इन सबको भी अपने दिमाग में रखना है ताकि हम लोग एक अच्छा परिणाम उसका पा सके और हमारी जिंदगी में ऐसी दुर्घटना कभी ना हो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जिस तरह हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ किसी भी स्टूडेंट के साथ हो, इसीलिए हमको जो शपथ लिए थे उसको याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और सुरक्षा का जो शपथ लेने के बाद इस बात को अपने अपने तक नहीं बल्कि अपने घरों तक फैला देना है, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस।